हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हो? बढ़िया। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। सुबह के 12 बज रहे हैं। सो गई थी मैं, फिर उठी और खाना खाना है। मैंने आटा गूंदना था तो मेरे को नक्षित जाने नहीं दे रहा है। ज़रा सा मैं छोड़ रही हूँ बेड में तो ये किनारे पर पहुँच जा रहा है। वॉकर में भी ये वैसे नहीं दिखता, तो ये सोएगा तो मैं अपना खाना रेडी करूँगी बना रहे हूँ। और मेरे को काम तो ज़्यादा नहीं है आज, झाड़ू लगाना है और फिर एडिटिंग पे बैठना है। बाहर धूप आ गई है तेज वाली, बस पानी भरा मैंने और इसको गोदी में उठा के भरा। अभी इसके डाइपर भी ड्रीम भी आई थी, ये डाइपर आ गए, ख़त्म हो गए थे इसके, वो मैंने ऑर्डर किए हुए थे तो एमरजेंसी में। फिर नहीं तो भागना पड़ता था बाजार दो चार दिन से जब से ख़त्म हो गए थे, तो आज आ गए। अब शांति है, अब दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ इसको, दिन में भी नहीं रात में भी नहीं, पर कई बार लगा भी देती हूँ मौसम के हिसाब से, या फिर ऐसे देख लेती हूँ कई बार मूड बन जाए तो लगा देती हूँ। वैसे आजकल गर्मी है तो इतना दिक्कत नहीं है, सर्दी में तो कंटिन्यू लगाने ही पड़े थे मेरे को। बस अभी डाइपर वगैरह आ गया, इसको भी रखूँगी अंदर। ये वाला रूम मेरा साफ़ ही है, यहाँ बैठे थे, अंदर का भी साफ़ ही है वैसे, पर चादर फिर दोबारा से लगानी पड़ेगी। और ये नहीं टिक रहा है, देखो कितना तंग करने लग रहा है। और ज़्यादा देखो मैं सुबह आज मुंह बना के बता दें नक्षित नक्षी अच्छा कर बता दे, मुंह बना दे बना दे। बाहर बाजे सुन रहे सीढ़ियाँ वगैरह, ऐसे ही करता रहता है बस, ऊपर जड़ा रहेगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, थकता ही नहीं है, थकता ही नहीं। सोने का टाइम भी हो रहा है इसका, बस थक हार के मैं सो जाएगा। नहीं नहीं भी नहीं कराई अभी है ना मम्मा ने, अब मैं सोच रही हूँ ला दूँ, मूड नहीं बन रहा मेरे बाथरूम में जाने का आज, तो मैंने ला देती हूँ इसको। अभी खिला भी दिया है तो अभी ब्रेक तो लगानी पड़ेगी, घंटा डेढ़ घंटा नहाने के बाद देखेंगे, नहीं तो मुँह आते धुला दूँगी आज, क्योंकि खाया है तो फिर बोलते हैं ना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए तो पेट में दिक्कत होती है, तो मैंने ऐसे ही खिला दिया इसको। बिल्कुल लगा था मस्ती कर रहा है। एक बार गुगू गई है स्कूल, गुगू की भी रैली थी, रैली मतलब वो पर्यावरण दिवस है ना आज, तो उसकी थी तो मेरा मुँह बीमार मम्मा मुँह पर मारी नकली, मम्मा मुँह मारी आपने, मेरे कपड़े खींच रहे थे सारे, पता नहीं है हमारा लड़का बड़ा खराब हो गया है, हमारा बेबी बहुत खराब हो गया है, हमारी बेबी बड़ी खराब होगी, बड़ी और खराब है, बड़ी और खराब है, मेरी बेबी बड़ी खराब है, मेरी बेबी बड़ी खराब है, मेरी बेबी बड़ी खराब है। नाक खींची रहती है, मम्मा खींची कर दो, मम्मा खींची करो, मम्मा खींची कर दो, मम्मा खींची कर दो। वो बैटरी भी लो हो रही है मेरी, तो चार्जिंग लगा लेती जल्दी से, नहीं तो बंद हो जाएगा मेरा फोन। तब से सोच रही हूँ अंदर जाने का, चलो लगाई दूँ फटाफट से। इसको बॉक्कर में बिठा दिया, अब करते हैं काम। आ जा नच्चू, आ जा, आ जा नच्चू, आ जा, करते हैं साफ, क्लीन करते हैं सारा। बाथरूम की लाइट भी ऑन है, गीजर भी ऑन है, वो देखना यही काम है इसको। वो ट्राईपैड तो उठा लेगा, फिर नहीं तो वो चेयर है जो यहाँ हो तो चेयर को खींच देता है, तो कुछ ना कुछ चाहिए शरारतों के लिए सामान, ये मिल गया। सो हेलो फ्रेंड्स, देखो अभी कैसा मौसम हो रहा है, आपको दिखाऊं मैं? अभी आप देखो कितना खुश रहोगे, मम्मा को सुबह से टाइम ही नहीं लगा अरे हेलो करे मुझे। तो आपको दिखाती हूँ मैं मौसम कैसा, और एक स्पेशल चीज़ दिखानी है, ठीक है? अब देखना, आप बताना कि आपने कभी ऐसी चीज़ देखी है, कमेंट में बताना। ओके, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कैसा मौसम हो गया है, और ऊपर देखो वो देखो क्लाउड दिख रहे हो। और एक स्पेशल चीज़ ये देखी है,
ये देखो एक और स्पेशल चीज। कितना खुश हो रहा है बारह को। आपको स्पेशल चीज दिखा दी और देखो अभी स्ट्रो मारा एकदम से आएगा। हाँ 40% और देखो स्पेशल चीज कहाँ से गई। चलो छत पे चलते हैं। तो चलो चलो चुन्नी ले आना। ठीक है मैं चुन्नी लेके आती हूँ देन छत पे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए तो चल पड़ो। तो अभी हम छत में जाएंगे। ओके तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं छत का व्यू भी और अपने से भी मिलाती हूँ। मेरे को तो देखा ही है क्या बनाऊँगी अपने से मैं। ऐसे ही बकवास करती हूँ। एक मिनट रुको पहले फैन और टीवी बंद कर देते हैं। ओके अब चलते हैं बाहर। ठीक तो है ऊपर जाके उतार देनी है आपने वैसे भी। देखो देखो व्यू कैसा है। अब ऊपर मम्मा चल रहे हैं। अभी आपको हम ऊपर जाके दिखाते हैं। अबू जी भी हैं ऊपर। अभी मैंने ही बोला कि ब्लॉग शुरू कर दो इतना अच्छा मौसम है। सुबह किया था थोड़ा सा शुरू। यहाँ पे भी कोई है यही है अबू जी। और हाँ देखो अबू जी है वहाँ पे। इस लड़की की फोटो भेजी मैंने। ये अबू जी घूम रहे हैं। देखो कितना अच्छा व्यू है। इससे भी ज़्यादा लाइट वाला पापा और मैंने देखा। आप तो देख ही अब रहे हो। इससे भी ज़्यादा लाइट थी उस टाइम बादल में। आपको फोटो दिखाऊंगी मैं। ये देखो फोटो खींच ली मैं। खींच ली गुगु मोर बोल रहे थे अभी। हाँ। बोल लेंगे कि नहीं। देखो देखो एक चीज देखो। मोर थे ऊपर अभी खेतों में। वाह क्या मौसम हो रहा है। टैंकी मारी भरी हुई है ढक्कन लगा दे इसका छूट के कहीं उड़ जाता। बारिश लगी। नक्शे तो कहाँ आ गया अम्मा। नक्शे कहाँ हो ले नक्शे। गौरी 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 गौरी। बारिश लगी। चलो चलते हैं नीचे। तेज बारिश आ गई एकदम से। चल आ जा गोगो किनारे पे नहीं खड़ा। चला चलो चलते हैं फिर। अभी बस आ गया ऊपर से। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई। तूफान भी चला हुआ है। बारिश भी चली आ रही है ना। नक्षित में यहीं बैठ गई है ना बाहर को भागता है। अभी खाना फिर से लेट ही बनेगा। मैं सो गई थी थोड़ा सा। मेरे पेट में दर्द हो रही थी थोड़ी देर पहले। मुझे पेट में दर्द लगती है जब से डिलीवरी हुई है। कभी कभी लग जाती है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अभी डॉक्टर को चेक कराना पड़ेगा। और फिर गई थी मैं थोड़ा सा बाहर। अभी निकली थी सुबह से ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया। फिर काम घूम में निकल जाता है जिम। फिर मन नहीं कर रहा था। फिर ऐसे ही काम घूम थे। एडिटिंग भी थी काफ़ी कुछ था। अभी किचन साफ करने का खाना बनाने का है। तो ये छोड़ेगा तो खाना बनेगा। ये टिकता ही नहीं है टिकता ही नहीं है टिकता ही नहीं है। एक मिनट फोन दो। अभी देखो बर्तन भी है मम्मा को धोने को। अभी खाना भी बनाना है। अभी इसको भी संभालना है इसको भी खिलाना है। मेरे को पढ़ना है वरना मैं ही कर देती कुछ काम। जो आपको बाहर का दिखाती हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको वो बादल दिखाया था। हाँ जी और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश लग गई है। हाँ हाँ मिट्टी की खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा अच्छी। देखो हमारे वहाँ से लेके वहाँ तक ग्राउंड में सारे ही बारिश है।
क्या क्वेश्चन है यार ये? सारी बारिश है, बारिश है ये तो सारी होगी ना, यहाँ पे ही थोड़ी होगी सिर्फ मेरे घर में। क्या देख रहे हो? थक गए हैं मम्मा। नक्शो करने नहीं देता कुछ भी नहीं, ऊपर से मेरे मेरे भी एफ वन एग्जामिनेशन आ रही है, एग्जाम लग जाएंगे मंडे से, तो इसको भी बोल रहे थे ये करवा दो, बीच में थोड़ा सा ये करवा दिया। ये देखो यहाँ से ट्राइपॉड उठाया था इसने और फिर वहाँ पहुँचा दिया, और ये ट्राइपॉड गिरा, मम्मा आइटम से डर गया और फिर मम्मा उसके बाद नीचे ही बैठ गए। हाँ अभी भी ऐसे लटक रहा था, आपकी चाहिए इसको मतलब सही है, नहीं ले आई पीछे देखो। अब जो जो हमारे पुराने व्यूवर्स है ना वो बताओ कि ये हमने किस ब्लॉग, ये वाला जब हमने लिया था वो कौन सा ब्लॉग था, कौन सा मंथ था वो ब्लॉग, ब्लॉग की डेट सारी यहाँ पे लिख के दिखाना, कमेंट में बताना, जिसने जिसने लिखी होगी हम उसके उसके उस उसके नाम अनाउंस करेंगे। अब बताना कि ये हमने कब लिया था। और हम अभी बैठे हैं, मैं बोलूँ चाय बना दूँ, मम्मी बोल रही बर्तन ही बहुत है, तो बना दूँ चाय, बर्तन आप रहने दो मेरे थोड़ा सा ही है, बर्तन नहीं है ज्यादा, किचन में ऐसे ही ऊपर ना खिला रहा थी गैस मैंने उस दिन साफ की थी, बहुत अच्छी थी, तो बना ही देती हूँ मैं, फिर ना फिर मैं धो दूंगी बर्तन थोड़े से, तो मैं बस ये टिक जाए तो मैं धो दूंगी। ये देखो चिपक गया, ये देखो 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 ये हाल है, आपको दिखाती हूँ मैं, अब मैं चाय दिखाती हूँ आपको कैसे बनाऊंगी, वरना आपका पूरा निकल जाएगा, ये हमेशा मम्मा के साथ ऐसे होता है, पता नहीं नेल से पता नहीं क्या होता है, निकल जाते हैं सारा नेल पेंट भी निकल गया, सारा सा रिमूव करके फिर लगाना पड़ेगा, फिर मैंने भी लगाया था पर मैंने मिटा दिया फिर, क्योंकि मेरे को स्कूल जाना होता है ना, तो मैं मिटा देती हूँ, और पैर का भी मम्मा का ये वाला टूट गया था, पैरों में तो सही है, नक्शीत को झूले में डाला था, उठ के खड़ा हो गया बीच में, बाजू बाजू ढंग से पकड़ गू, ढंग से पकड़ते हैं, खड़ा हो गया था बीच में झांकने को पकड़ के, इसने क्रॉलिंग करनी नहीं सीखी, सीधा ही खड़े होने की कर रहा है, मैं दो तीन दिन से इसको नोटिस कर रही हूँ, तो टीवी नहीं बंद होता है यहाँ पे हमारे, टीवी ऑन ही रहता है, पढ़ते पढ़ते भी टीवी ऑन होते हैं, तो बस ये सीधा ही खड़ा होना सीख गया अब, नक्शी देखना झूले में कैसे बैठा है, नक्शी आ जा मेरा बेबी आ जा, इसने पॉटी कर दी थी बाहर के रूम में बैठे थे हम, और सारी चादर इसने रोज का ही किया हुआ है, चाहे मैं कुछ भी पहना लूँ, आजकल डाइपर नहीं पहना रही ना तो बड़ा गंद डाल रहा है, तो आ जा पहले इसको ले लूं, अल्ले मेरा नक्शी, बाहर बादल हो रहे हैं जोर जोर से, नक्शी कर रहा है मेरे को, किची किची कर दे नक्शी, नक्शी किची कर दे, ऐसे ना बेबी नक्शी, बिजली से डर लगता है ज्यादा जोर से, बाल खींच दिए इसने मेरे, जब से ना मेरे बालों की बैंड बजा दी, बैंड मेरे को ना चार्जर लगाना भी आजकल गुनाह हो गया,
चार्जर लगाओ, ऐसे खींच के निकाल देता। कल आपको पता क्या हुआ? और फिर पता क्या हुआ? ये यहाँ पे जहाँ पे चार्जर, हाँ ये यहाँ पे स्विच लगा हुआ है ना, हाँ। लाइट का, तो इसको ऑन ऑफ करना सीख गया। अभी कर रहा था रात को, फिर मैंने बोला इधर टेप लगानी पड़ेगी क्योंकि करंट वगैरह भी आ जाता है कई बार स्विच वगैरह में, तो फिर हटाया। और अभी वो तो रहा था, मैंने हाथ लगा दिया तो आया नहीं साइड को, और खड़े होने की कोशिश है इसकी सीधी। ये देखो कुछ ना कुछ दिख जाता है ना, सामान तब जाता है इधर उधर। नक्शू ताकि ठीक जाएगा। वो दिख रहा है ना उधर सामान कुछ, तो उसको लेने जा रहा है। मेरे को पर्दा करना पड़ेगा, मेरे को सामान रखने वो हो गए गुना, चीजें उठाता है। अगर मैं बॉकर में उठा दूँ तो बॉकर से कभी चेयर गिरा देगा, कभी कुछ गिरा देगा। ये उधर ये ध्यान पूरा। फिर नक्ची आ जा आ जा आ जा, चलो पापा का फोन आ गया, उधर से उठा ले। पापा का फोन भी कैसे टाइम का आता है यार। पापा क्या करते हैं पापा? हेलो ये भी आ गए हमारे साथ ब्लॉग बनाने, पहुंच गए। एक मिनट फोटो खींचा लो, एक मिनट नक्षत को भी लो उधर। ब्लॉग के अंदर घुस ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, घुस जाते हैं मेरे ब्लॉग में आके, मेरे को पता है सारा कौन कौन चलने चलता है, सबको जानती हूँ, सबको देख रही हूँ, सबको। कोई भी मेरी नजरों से दूर नहीं है आजकल। सबको देख रहे हैं हम, सबको हैं मेले, मैं सबको देख रही हूँ आजकल कौन क्या कर रहे हैं। मेरे ब्लॉग में घुस रहे आप भी आके। डाल दो तो सब्सक्राइब किया करो, पंकज वर्मा ब्लॉग्स। बार बारिश लगती डाल लो तो, आपको किसी ने मना की, डालो कंपटीशन कंपटीशन चला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन जीतेगा वो लोगों को अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो और क्या। चलो मेहनत कर रहे हैं, फल देगा भगवान, अब देखते हैं कब मिलेगा फल। बाकी चलो ये मेहनत तो चली है इतना टाइम से, रोज बहुत मेहनत करते हैं हम, बहुत टाइम निकाल के मैं ब्लॉग बनाती हूँ। सबको इजी लगता होगा कि ये वीडियो बनाती रहती है घर बैठी, पर मेरी हालत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे को, सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को। एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा, बनाने का नहीं लग रहा, तब भी मैं बना रही हूँ जैसे कैसे। और शॉर्ट्स बनाने को भी बहुत मेहनत लगती है, एक शॉर्ट देखने में इतना तो होता है कुछ सेकंड का, 10-15 सेकंड, और उसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है वो मैं ही जानती हूँ कैसे। वो देखने में इतने अच्छे लगते हैं और हमने भी ट्राई किया है। हाँ। क्या ट्राई किया था? शॉर्ट्स बनाने का ट्राई किया है। ये देखो सुंडी कहाँ का उठ की है, देखो मेरे को इतने मच्छर काटने हैं, छोड़ देना इसने ये पूरे ब्लॉग से, यही मच्छर को हिला हटा। बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा दिमाग सफाई होती है एक शॉर्ट एक वीडियो बनाने में, इजी लगता है स्टार्टिंग में, सोचते हैं हर बंदा सोचता है कि यार
इजी सा है बना लेते हैं, पर जब बनाते हैं ना तो टाइम हो जाती है। इतना सा बनाने को एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है या एडिट करने में क्या दिमाग लगाना पड़ता है इसका, और ब्लॉग बनाने में और फिर उसके बाद उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना सा ब्लॉग होता है 10-15 मिनट का ब्लॉग होता है उसको कितना टाइम लगता है, और छोटा सा शॉर्ट 10-15 के सेकंड के शॉर्ट को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखने में बिल्कुल सिंपल लगता है कि यार बनाया और डाल दें, नहीं इतना ईजी नहीं है यूट्यूब। बस अभी बारिश लग गई और धमाकेदार ठंडा हो गया था अभी माहौल, इसने मेरे को चुंडियाँ मार मार के मार दिए यूवी ने नहीं नक्कू ने। यूवी कहाँ से आ गई, यूवी की याद आई हुई मेरे को, मतलब अंदर है यूवी बुआ बुआ बुबू सामने जा रहे हो अरे देख लो फोन करके नहीं है तो फिर करना फोन। मेरे नाखून टूट रहे हैं यहाँ से, क्रैक हो रहा है, काटने का टाइम नहीं लग रहा, इसको काटती हूँ, काटना पड़ेगा। इतना बढ़िया इतना टाइम बाद बढ़ाए मैंने नाखून, अब काटना पड़ेगा इसको। पापा का डायलॉग यूवी को क्या बोलते हैं यूवी का क्योंकि उसने एक नेल पेंट लगाया था, वो मैंने बोला कि हटा ले नेल पेंट, मेरे पापा फिर से बोले बुझी यूवी को क्योंकि यूवी आया यहां से नहीं आया दे इनकी मस्तियां ना जाना लगे मेरे बच्चे को मुझे लग जाती है इसको जल्दी। डुपडू लड्डू कद्दू लड्डू कद्दू और ले पंगे उससे पूरे पाल खींचने के मूड में बैठे हैं। ऐसी मस्तियां चली रहती हैं, ये डांट भी बहुत पड़ाता है पर गुगू को, ये रो भी जाता है एक मिनट में, फिर उसको डांट पड़ाता है, फिर उसको देख के दांत भी निकालता है। इसको जैसे इस रो जाएगा फिर मतलब का खेलते खेलते फिर जोर जोर से लग जाएगा रोने, फिर जैसे ही गुगु वो करेगी देखेगी इसको नहीं, फिर जैसे मैं डांट बोल दूँ या मैं कुछ बोल दूँ फिर ऐसे देखेगा चुपचाप से, पहले उसको देखता रहेगा गुगु को ऐसे ध्यान से देखता रहेगा, फिर जैसे गुगु ऐसे नजर से नजर मिलाएगी फिर ऐसे स्माइल कर देता है, हंस देता है, फिर गुगु हंसने लग जाती है भैया, तो फिर हंस गया अभी तो हंस जाती है, पहले मुंह बना लेती है, मेरे को डांट पड़ी इसकी वजह से, इसकी वजह से पाँच छह बार डांट पड़ती है, ये रोता है और फिर डांट मुझे पड़ती है कि तूने रुलाया फिर आगे। हाँ बता दिया सब कुछ, कहते लगा दिया हमने, सब देख रहे हैं तेरे को शरारती को शरारती बाबा, तो कोई बात नहीं अभी तो वो छोटा है ना, ये हमारा नक्कू बाबा है, अभी तो छोटा है वो, छोटा होने का फायदा उठा रहा है, बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगी। जरूर वॉच करना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहें खुश रहें, बाय, स्वीट ड्रीम्स, बाय।